नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हां, यहां पर एक बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है और ये झूठ किसकी तरफ से रचा गया? संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत की तरफ से। जी हां, यहां पर आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक चर्चा सामने आई थी कि संजय राउत को जान से मारने की धमकियां आ रही हैं और ये धमकियां सुनील राउत जो उनके भाई हैं उनके फोन पर ये ऐसे कॉल आ रहे हैं कि जान से मार दिया जाएगा इन दोनों भाइयों को। और इसको लेकर के सरकार पर, एकनाथ शिंदे सरकार पर और खास तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़े आरोप लगाए थे। बड़ा हमला किया था यहां पर संजय राउत ने कि देखिए हम जो है सुरक्षित नहीं है, कैसे यहां पर जो है ये कॉल आ रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और अब ये खुलासा हो रहा है कि इस पूरे खेल में जो मास्टरमाइंड है वो मास्टरमाइंड कौन है? संजय राउत के भाई सुनील राउत का बेहद करीबी मयूर शिंदे। जी हां, यहां पर पुलिस ने यहां पर बांडा फोड़ दिया है कि किस प्रकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जानबूझ करके इस तरह का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया और ये पूरा का पूरा जो है यहां पर एक स्क्रिप्ट उसको रचा गया, यहां पर ये चीजें प्लॉट की गई और कैसे सरकार को घेरना है अपने ही यहां पर जो बेहद करीबी हैं सुनील राउत के मयूर शिंदे, वो यहां पर खुद कॉल नहीं करते हैं, अपने करीबियों से जो है ये कॉल कराते हैं जान से मारने की धमकी देने वाली। और ये पूरी की पूरी कहानी इसलिए रची जाती है क्योंकि संजय राउत को सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए और साथ ही साथ यहां पर सरकार को घेरना है। महाराष्ट्र सरकार को कोई और टॉपिक तो मिल नहीं रहा, कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा कि कैसे घेरा जाए। तो चलिए एक काम करते हैं, अपने एक करीबी को बोल देते हैं, वो किसी से कॉल करवा देगा, कॉल आएगी कि जान से मारने की जो है धमकी दी जा रही है और हम जो है सरकार को घेरने का काम शुरू कर देंगे। और इसी को लेकर के यहां पर नितेश राणा जो विधायक भी हैं बीजेपी के, उन्होंने यहां पर बड़े जो है आरोप लगाए हैं। नितेश राणा की अगर बात की जाए, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये फोटोज जो हैं वो भी शेयर किए हैं। नितेश राणा ने यहां पर आपको बता दें कि क्या क्या कहा है विस्तार पूर्वक। नितेश राणा ने कहा है कि शिवसेना उद्धव जो गुट है उसके लीडर संजय राउत जल्दी अरेस्ट हो सकते हैं, जल्दी गिरफ्तार हो सकते हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग आपको इस मामले में बता दें, नितेश राणा एक्सक्लूसिवली बोल रहे हैं कि ये अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि संजय राउत के भाई जो हैं सुनील राउत, उन्होंने एक केस रजिस्टर किया था कि उनको जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये केस रजिस्टर किया, उसके बाद पुलिस ने इसको लेकर के अपनी कार्यवाही जो है वो शुरू की। इसमें एक्शन मोड में पुलिस आई और सब चीजों खंगालने लगी पुलिस। और पुलिस जो है उसने मयूर शिंदे को अरेस्ट किया है जो सुनील राउत का वर्कर है, कार्यकर्ता है, सुनील राउत के साथ काफी उसका क्लोज है और उसने ही ये कॉल करवाए थे। नितेश राणा ये चीज कह रहे हैं और आगे कह रहे हैं ये केस जो है पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड केस, यानी कि मनगढ़ंत जो है ये पूरा का पूरा केस रचा गया झूठे आरोप, प्रोपेगेंडा के तहत झूठे आरोप जो है वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए लगाए गए, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पर लगाए गए। ये संजय राउत अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते हैं, देखिए यहां पर क्या हरकतें इनकी तरफ से की जा रही हैं और कैसे पूरे देश के सामने उस समय जो है बवाल मचाए थे इन्होंने। देखिए हमारे पास कॉल आ रही है, हमें जान से मार दिया जाएगा, ये जो है विपक्ष चाहती नहीं है, ये सरकार ये विपक्षियों के पीछे ऐसे पड़ गए, ये हमको जान से मरवाएंगे। और अब पता लग रहा है कि खुद के ही कार्यकर्ता से कॉल करवाई जाती है। यहां पर अगर बात की नितेश राणा ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो मयूर शिंदे अरेस्ट हुआ है वो जो है डेथ थ्रेट दे रहा था श्री 420 और उनके छोटे भाई मिनी 420, ये कह रहे हैं वो संजय राउत और सुनील राउत के लिए। और गोलमाल गैंग बता रहे हैं इसको कि जो कॉल रिकॉर्डिंग जो प्ले हुई है मीडिया में वो सुनील राउत और उसी के अपने वर्कर मयूर शिंदे के बीच में है। तो देखिए यहां पर ये राजनीति कितनी ज्यादा घटिया हो चुकी है कि अपने ही वर्कर से कॉल करवाई जाती है कि देखिए जान से मारने धमकी, और केस भी रजिस्टर करवाया जाता है उसके बाद, ताकि सरकार का नाम बिगाड़ा जा सके, सरकार को डिफेम किया जा सके। वहीं यहां पर लोगों की भी प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। समीर ठाकुर हैं, वो कह रहे हैं कि बिग ब्रेकिंग जो इसमें अरेस्ट हुआ है संजय राउत को अरेस्ट देने वाले को मारने वाले केस में, थ्रेट देने वाले केस में, वो मयूर शिंदे है। ये मयूर शिंदे जो है वो संजय राउत के अपने ही भाई जो है सुनील राउत का एक क्लोज एड है, ब्रदर ट्राइंग टू एलिमिनेट ब्रदर, ये सवाल उठा रहे हैं वो, हालांकि केस खुद ही रजिस्टर किया था। तो ये देखिए जनता अब सवाल उठाएगी कि क्या भाई ही भाई का दुश्मन है, भाई ही भाई को एलिमिनेट करना चाहता है।
सेंसेशनल महाराष्ट्र पॉलिटिकल डेवलपमेंट। महाराष्ट्र में चल रही एक ऐसी राजनीति जो देख सकते हैं आप, ये लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिर वहां पर नीचे आयुष अग्रवाल, वो भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरे तो परेशान हैं ही, संजय राउत से खुद का भाई भी परेशान है, ये अब पता लगा। दरअसल अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो मयूर शिंदे जो है उसका जो खुलासा हो रहा है वो अभी कोई नया नया नहीं जुड़ा है सुनील राउत के साथ, वो पिछले कई सालों से सुनील राउत के साथ काम कर रहा है और हमेशा से जो है उनके साथ ही था। दरअसल अगर बात की जाए जो संजय राउत की धमकी के मामले में मयूर शिंदे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि राउत की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये पूरी मनगढ़ंत जो है यहां पर कहानी रची जाती है। वहीं अगर बात की जाए शिवसेना ठाकरे जो गुट है उसके नेता संजय राउत को ये जान से मारने की धमकी, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं जो है सुरक्षा बढ़ाने के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जाता है इन नेताओं की तरफ से। और मुंबई पुलिस ने ही सूत्रों को ये जानकारी दी कि जो है मयूर शिंदे वो इतना ज़्यादा करीबी है, इतना क्लोज एड है सुनील राउत का। मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये जानकारी खुद मुंबई पुलिस ने दी। और यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्य मास्टरमाइंड बताया गया है मयूर शिंदे को, ये भी नहीं कि हाँ उसने उनके आने पर, पूरा मास्टरमाइंड बन करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, पूरी स्क्रिप्ट इसकी तैयार की गई, अपने करीबियों को उसने बोला कॉल करने के लिए। पिछले कई सालों से जैसे काम कर रहा है, हमेशा उनके साथ रहा है और मुलुंड बांडूपुर विक्रोली इलाके में जो है दबदबा है इनका। वहीं फिलहाल मयूर शिंदे जो है वो दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये भी पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी। बांडू विधानसभा क्षेत्र से ही जो है सुनील राउत वो विधायक हैं संजय राउत के भाई, उन्हीं के मोबाइल पर ये धमकी आई थी, ये कॉल किसी अनजान शख्स ने की थी संजय राउत को। और अब ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के क्लोज एड जो हैं, उन्हीं के करीबी, उन्होंने कॉल जो है वो सीधे करवाई थी। वहीं अगर बात की जाए तो ये धमकी दी गई थी कि 1 महीने के अंदर जो है तुम दोनों को गोली मार दी जाएगी, इसके बाद जो है शरद पवार हो या फिर संजय राउत हो, इन्होंने जो है यहाँ पर सरकार की आलोचना की थी इन विपक्षियों ने। और साथ ही संजय राउत ने इस बारे में मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी विस्तार से जानकारी दी। लेकिन अब देखना होगा ये जो खुलासा हुआ इस मामले में अगली कार्रवाई क्या होती है। वैसे ही संजय राउत की बात की जाए तो जो उद्धव ठाकरे अलग हुए, एकनाथ शिंदे अलग हुए, ज्यादातर मेजोरिटी एकनाथ शिंदे के साथ गई शिवसेना की, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की ये भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि संजय राउत को जो आपने साथ रखा गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, ये एक बड़ा कारण था जो लोग उद्धव ठाकरे से अलग होते गए। संजय राउत को क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पर पसंद नहीं करते, यह भी एक बड़ा कारण था। बहरहाल अब यह जो बड़ा खुलासा हुआ है इस पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को लगातार कहने वाले कि देखिए मैं कितना ज्यादा विद्वान हूं, और ये अपनी सुरक्षा के लिए झूठे कॉल करवाए जाते हैं, फैब्रिकेटेड कॉल होते हैं। और रब लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या भाई भाई का दुश्मन है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्योंकि नितेश राणा कह रहे हैं कि कभी भी अब ये अरेस्ट हो सकते हैं, ये जान पूछ करके किस प्रकार से जो है सरकार को बदनाम करने के लिए ये पूरी मनगढ़ंत जो है कहानी रची जाती है, फिर केस भी रजिस्टर करा दिया जाता है। अब देखना होगा इस केस में आगे क्या कार्रवाई होगी। आपकी इस पर जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट बने रहिए द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।